अगर आप कम्फी UI इस्तेमाल करते हैं और आपने काफी टाइम से इसको अपडेट नहीं किया तो ये परफेक्ट टाइम है इसको अपडेट करने का, क्योंकि लेटेस्ट रिलीज आ चुका है। इससे पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे जिसके अंदर आपको जो है नया UI मिल गया था, जैसा UI आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉप बार लगी हुई है, ये पहले आ चुका था, बट इतने मेजर अपडेट्स नहीं थे। जो करंट वर्जन आया है इसके अंदर मेजर अपग्रेड आ गया है, बहुत सारे क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर ऐड कर दिए हैं। तो क्या क्या नया आ चुका है, कैसे इसको अपग्रेड करना है, अपग्रेड करने के बाद इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कम्फी UI ओपन है, जगरनॉट एक्सेल मैंने यहाँ पर लोड किया हुआ है मॉडल, और इस तरह से मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला हुआ है यहाँ पर गेमिंग स्टूडियो, इस तरह का यहाँ पर रिजल्ट ये दे रहा है। अगर मैं इसको क्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस टाइप का रिजल्ट आ रहा है। तो पूरी की पूरी ऊपर जो UI है ये नई है, अगर लोग बहुत पुराना इस्तेमाल करते तो उनको नहीं लग रही होगी, किसी ने थोड़ा रिसेंट अपडेट किया भी है तो उनको यहाँ पर सिमिलर UI नज़र आ रही होगी। पहले यहाँ पर एक फ्लोटिंग बॉक्स हुआ करता था, अब टॉप शेल्फ यहाँ पर बनी हुई है, राइट। और इसके अलावा एक नई चीज़ क्या आई है कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्लोटिंग विंडो है यहाँ पर क्यू की, ठीक है। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरा ये प्रॉम्प्ट यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, राइट। और इसके अंदर आपके बैच काउंट की ऑप्शन भी, अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ, अब मैं क्यू करता हूँ तो दो बार ये अपने प्रोसेस चलेगा। तो एक बार ये चल रहा है, देखिए फर्स्ट ये इमेज आ गई है, इसके बाद सेकंड ही चलनी शुरू हो गई है, राइट। तो यहाँ से आप नंबर बता सकते हैं कितनी बार चल करके ये रुक जाए, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे आप बैच काउंट दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इसको कंटिन्यूसली चला के रखना है तो ये छोटा सा एरो जो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्यू इंस्टेंट की ऑप्शन है, इस पर आप ऐड करके क्लिक करके और आप क्यू कर देंगे तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा जब तक कि आप इसको इंटरप्ट नहीं करेंगे, राइट। तो ये एक हो गया, हमने यहाँ पर सिर्फ एक लिखा होता फिर भी आगे चल रहा है क्योंकि ये इंस्टेंट क्यू पे है, तो ये चलता जाएगा कंटिन्यूसली। तो इसको अगर मुझे रोकना है तो सिंपली यहाँ जाकर के फिर से मैं क्यू पर आ जाऊँगा, राइट। इस तरह से यहाँ पर ये रुक जाएगा, तो आप देख सकते हैं रुक गया। तो ये जो फ्लोटिंग विंडो है ये जो है अभी रिसेंट अपडेट्स के बाद में भी यहाँ पर ऊपर हुआ करते थे इस बार के बीच में। इसको अगर आपको वहाँ पर बार में डालना है तो इसको सिंपली यहाँ पर आएंगे, जो तीन डॉट्स बने हुए हैं इस पर आकर के इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं। तो लेफ्ट क्लिक करके मैं ऊपर लाया और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ ड्रैग ड्रॉप करके, तो यहाँ पर ये बार के अंदर आ जाएगी। तो आपकी मर्जी है, इसको ऊपर रखना ऊपर सकते हैं, यहाँ पर फ्लोटिंग रखना है फ्लोटिंग सकते हैं, दैट इज़ अप टू यू, राइट। और ऊपर इस टूल बार के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पर मैनेजर का बटन आपका इधर आ गया जो कि इधर बॉक्स में पहले हुआ करता था, तो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका मैनेजर ओपन हो जाएगा, राइट। इस तरह से यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बटन और आए हैं, ये अनलोड करने के लिए है मॉडल्स को, और यहाँ पर ये है फ्री मॉडल एंड नोड कैश को। तो बेसिकली क्या होता है कि आपकी VRAM भरती रहती है, जैसे जैसे आप मॉडल चेंज कर करके अपलोड करते आते हैं, बेसिकली चेंज करते हैं तो आपकी VRAM में लोड होते रहते हैं, उससे कई बार आपकी VRAM पूरी भर जाती है और आप प्रोसेस नहीं कर पाते चीज़ों को, तो यहाँ से आप अनलोड कर सकते हो चीज़ों को, राइट। और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो लोग ने रिसेंटली अपडेट किया था उनको ये दिखाई देती है, जिन्होंने नहीं किया काफी टाइम से उनको नहीं दिखती होगी। CPU, RAM, GPU, VRAM, इस सारा कुछ दिखा रखा है, तो अभी 70% यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। जैसे मैं क्यू करूँगा देखना ये सब चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मैंने क्यू पे क्लिक किया, अब दिखा रहा है कि GPU का 98% यूज़ हो रहा है, VRAM 73%, ये 90% VRAM यूज़ हो चुकी थी बीच में एक बार, ठीक है। दोबारा क्यू करते हैं और ये टेम्परेचर भी दिखा रहा है आपको सारा, ठीक है। इसका बेनिफिट क्या है, अब मुझे पता है कि मेरी VRAM यहाँ पर 90% जा रही है। कई बार क्या होता है कुछ वर्क फ्लो हम चलाते हैं जिसके अंदर हमारे वर्क फ्लो क्रैश हो जाते हैं, चल नहीं पा रहे होते हैं, हमें रीज़न समझ नहीं आ रहा होता। कई बार हमारी VRAM भर चुकी होती है तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि 100% VRAM आपकी यूज़ हो चुकी है, उससे ज़्यादा अगर मांग रहे हैं और बीच में प्रोसेस क्रैश हो रहा है तो आपको पता है कि VRAM भर गई, तो आपको साइज छोटा करना है या इस तरह जो भी आपको रिक्वायर्ड चेंज है आपको करना होगा उसके लिए, राइट। इसके अलावा यहाँ पर छोटे से कुछ बटन दिख रहे हैं आपको, जूम इन जूम आउट का ये बटन है, और यहाँ पर रीसेट व्यू है। अगर मान लीजिए आपने से मैंने ज़्यादा जूम कर दिया, इसको मेरा स्क्रीन से मान लीजिए बाहर को चला गया, ठीक है, ये बिल्कुल ही बाहर चला गया, तो मुझे वापस ढूंढना उसको मुझे मिल नहीं रहा, मैं और लेफ्ट जा रहा हूँ और राइट में, तो यहाँ पर ये रीसेट व्यू है, इस पर आप क्लिक करेंगे सेंटर में आ जाएगा पूरा वर्क फ्लो, राइट। और नीचे टॉगल लिंक विजिबिलिटी है, इस पर क्लिक करेंगे तो सारी आपकी नोड्स यहाँ पर हट जाएंगी और नोड्स होने, कई बार क्या है बहुत सारी नोड लिंक होती है ना, नोड्स की वजह से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही होती है कहाँ पर क्या चीज़ है, तो आप थोड़ा बहुत इसको ऑन ऑफ करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, राइट। आप चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप चांद का बटन देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका डे मोड हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे नाइट मोड हो जाएगा, तो आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं जो आपको प्रेफरेबल हो आपके यूज़ के हिसाब से, लाइट जैसी भी आपके पास में। इसके बाद नीचे सेटिंग का बटन है, इसके ऊपर हम आते हैं थोड़ी देर में, पहले मैं आपको यहाँ की चीज़ें दिखा देता हूँ। इधर आपकी रिसेंट चीज़ें हैं, वर्क फ्लोज लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके जो भी रिसेंट आपने वर्क फ्लो यूज़ किए होंगे वो सारे यहाँ पर दिखा देगा। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। इससे ऊपर मॉडल लाइब्रेरी है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके सारे चेक पॉइंट लोरा ये सारा कुछ एक साथ यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर नोड लाइब्रेरी पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी सारी नोड्स यहाँ पर दिखा देता है, हालांकि इसको सब चीज़ों की आपको जरूरत नहीं है, एडवांस यूज़र के लिए है ये चीज़ें। और यहाँ पर क्यू है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा जो भी आपकी इमेजेस आपने जनरेट की, तो हमने जो भी इमेजेस जनरेट की थी वो सारी यहाँ पर हमारे को नजर आ रही है, राइट। फिट इमेज प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी जैसे हाइट थी तो उसके हिसाब से साइडों में बॉर्डर बना देगा। इसको ऐसा करते हैं तो ये थोड़ा ऊपर नीचे को कट करके इसको पूरा का पूरा बॉक्स के अंदर फिट कर रहा है, राइट। और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं इस चीज़ को, तो क्यू को भी मैं हटा देता हूँ, ये हमारी यहाँ की बार हो गई। अब सबसे जो मेजर चीज़ आई है नई, वो आई है यहाँ वर्कफ्लो विंडो में, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे न्यू आप कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, कुछ पड़ा आपका सेव वगैरह कर सकते हैं, बट सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे
इस तरह की विंडो आएगी, पहले ये नहीं हुआ करता था। अब इसमें देख सकते हैं इमेज जनरेशन, इमेज टू इमेज, टू पास अप स्केल, फ्लक्स चैनल, ये सारे अलग अलग टाइप के आपको जो है वर्कफ्लो में पहले से बने हुए मिल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको फ्लक्स का वर्कफ्लो बनाना नहीं आता तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये फ्लक्स चैनल का वर्कफ्लो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका बन करके आ गया, राइट। इसमें आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है अपना और आपका काम चालू हो जाएगा। एडिट पे जाता हूँ, यहाँ पर क्लियर वर्कस्पेस करता हूँ तो खाली हो जाएगा। दोबारा वर्कफ्लो पे जाते हैं और यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट पे क्लिक करके अब मैं इमेज टू इमेज पे क्लिक करूंगा, ये आ गया आपका इमेज टू इमेज। इधर आप अपनी इमेज डालेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपका इमेज टू इमेज जनरेशन हो जाएगी। इसी तरह से जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, यहाँ पर इमेज जनरेशन, तो इमेज जनरेशन का आ गया। तो आप कोई भी वर्कफ्लो इस तरह से यहाँ पर ब्राउज टेम्पलेट से यहाँ पर ला सकते हैं, ये बहुत ही कूल चीज़ है। और भी बहुत सारे नए वर्कफ्लो हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो ये मेरा डिफॉल्ट वर्कफ्लो है यहाँ पर। मान लीजिए मुझे जो भी इमेजेस मैंने जनरेट की थी वही वाला वापस चाहिए, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ रिसेंट इमेजेस में, और कोई भी इमेज जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए तो मैं इसको ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ सिंपली यहाँ पर, ये मेरा वर्कफ्लो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं गेमिंग स्टूडियो, अगर मैं यहाँ पर इसको क्यू करता हूँ तो दोबारा से वो गेमिंग स्टूडियो वाली चेयर जो यहाँ पर बन करके स्टूडियो वाला फोटो बन करके आ जाएगा, राइट। सो ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और मैंने सेटिंग का बटन को एंड के लिए रखा था। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। वो रीज़न ये है कि जब आप अपडेट कर लेते हैं इसको, उसके बाद में अगर आपको चाहिए कि यार ये मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे वो टॉप शेल्फ पसंद नहीं आ रही है, मुझे यहीं पर फ्लोटिंग बार चाहिए था, पुराने वाला वर्जन चाहिए था, तो उसके लिए आप सेटिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर बाकी सारी सेटिंग तो है आपकी, थोड़ा सा यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलेगी जो कि है मेन्यू। यहाँ पर लिखा हुआ है बीटा यूज़ न्यू मेन्यू एंड वर्कफ्लो मैनेजमेंट। इसको टॉप लिखा हुआ ना, इसको हटा करके आप बॉटम भी कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं बॉटम में चला गया वो हमारा बार। और यहाँ पर हटा करके इसको डिसेबल पे भी क्लिक कर सकते हैं। डिसेबल पे क्लिक करते ही क्या होगा, मैं इसे क्रॉस कर रहा हूँ, कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फ्लोटिंग बार इस तरह से आ गया, ठीक है। जो ऊपर लगी हुई थी ना चीज़, वो यहाँ पर आ गई है। सारी चीज़ें सेम है इसके अंदर, आपको यहाँ पर रिसेंट इमेज दिखाई देती रहती है, और आपका जो मैनेजर वगैरह था ऊपर वो इधर चला गया, इससे आप मैनेजर खोल सकते हैं, तो पुराना वर्जन है ये, आप लोगों को पता ही होगा। उसके अलावा यहाँ पर चेंज ये हो गया कि इसके अंदर भी आपको ये GPU VRAM वगैरह सब यहाँ पर नजर आ रहा है, टेम्परेचर वगैरह, सो दैट इज़ ए ग्रेट थिंग। अगर आपको वापस से वही चाहिए तो आप सेटिंग का बटन यहाँ से इधर आ गया, सब कुछ इसके अंदर यहाँ पर होता है। सेटिंग पर क्लिक किया, फिर से ओपन हो गया, इसको थोड़ा सा नीचे जा करके यहाँ पर आपका मेन्यू में बीटा है, इसको आप जो है टॉप कर सकते हैं वापस से, ठीक है। और ये आपका वापस पहले जैसा जो अभी नए वाला अपडेट है वैसा हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा वाला वर्जन रखना है, पुराना या नया, दोनों के अंदर जो है ये क्वालिटी ऑफ लाइफ फीचर तो आपको दोनों में मिलेंगे फिर भी, राइट। अब ये सब तो मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या क्या है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अब इसको अपग्रेड कैसे करना है, उसके लिए सिंपली आपको मैनेजर पर क्लिक करना है। ऑब्वियसली आपका मैनेजर यहाँ पर नहीं होगा, अभी आपका फ्लोटिंग बॉक्स के अंदर होगा मैनेजर, तो वहाँ से इसको ओपन कर लेना और यहाँ पर सिंपली आपको अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना है। सिर्फ अपडेट कंफ्यू है नहीं, अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना तो कम्प्लीटली आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद ये रिस्टार्ट करने के लिए मांगेगा, आप रिस्टार्ट कर देना और आपका जो है ये सब कुछ नए वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वर्कफ्लो गैलरी जो यहाँ पर है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका इंटरनेट के ऊपर वर्कफ्लो गैलरी खुल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे वर्कफ्लो आपको फ्री में यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी तरह का वर्कफ्लो आपको पसंद हो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। इस तरह की और वीडियो अगर आपको देखनी तो मैंने यहाँ पर लिंक दिए हुए हैं, क्लिक करके आप और इस तरह की वीडियो देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।